हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीस आर्किटेक्चर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 फिट बाई 60 फिट प्लॉट साइज प्लानिंग को। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों, इसका जो प्लानिंग है हमने अकॉर्डिंग टू वास्तु डिज़ाइन किया हुआ है, लगभग इसका हमने फुल वास्तु किया हुआ है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं वो भी अपने अकॉर्डिंग और मिनिमम चार्ज में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपके लिए रीजनेबल प्राइस में अच्छा नक्शा मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा 18 फिट बाई 60 फिट का नक्शा है। इसके वन साइड रोड है और थ्री अदर साइड अदर लोगों की प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारी एंट्री होती है, 6 फिट वाइड की एंट्री है। एंट्री करते ही आपके लिए पार्किंग स्पेस दिया हुआ है, जिसमें कि आप 2 से 3 बाइक इजीली पार्क कर सकते हैं। यहाँ से हमारा स्टेयर केस फर्स्ट फ्लोर के लिए जाएगा। और दोस्तों, ये जो प्लॉट है हमारा ईस्ट फेसिंग प्लॉट है और इसको हमने 100% वास्तु के अनुसार प्लान किया हुआ है। तो दोस्तों, ये हमारा स्टेयर केस रहेगा क्लॉकवाइज। यहाँ से आप घर में एंट्री करते हैं, ये आपके लिए लिविंग हॉल दिया हुआ है 10 फिट बाई 16 फिट का। ये हमारा सोफा सेट रहेगा, इस वॉल पर टीवी यूनिट रहेगा और यहाँ हमारा विंडो रहेगा। इस साइड फ्रेंड्स, हमने दीवान बेड डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ आप आराम कर सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स, हमने डिज़ाइन किया हुआ है ओपन स्पेस 3 फिट 6 इंच बाई 4 फिट का, जो कि वेंटिलेशन के पर्पज़ से हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, ये हमारा ओपन आर्च रहेगा। तो ये हमने डिज़ाइन किया हुआ है डाइनिंग लॉबी, और डाइनिंग लॉबी के सामने रहेगा हमारा किचन, जो कि फ्रंट पर है और साउथ ईस्ट कॉर्नर में है। ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा साउथ है। तो आग्नेय कोण में हमने किचन को डिज़ाइन किया हुआ है, 6 फिट 10 इंच बाई 11 फिट का हमारा किचन है। ये किचन का विंडो रहेगा, ये गैस स्टोव है, ये सिंक है और ये फ्रिज रखने के लिए स्पेस है। किचन हमारा ओपन रहेगा। यहाँ फ्रेंड्स, हमने डिज़ाइन किया हुआ है टेम्पल 5 फिट बाई 5 फिट का। टेम्पल में ये हमने वेंटिलेशन दिया हुआ है और पीछे की साइड हमारा ओपन स्पेस है। टेम्पल को हमने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि टेम्पल के लिए बहुत ही सूटेबल जगह है। यहाँ से आप एंट्री करते हैं, ये हमारा पहला बेडरूम रहेगा 13 फिट बाई 11 फिट का। ये हमारा बेड है, यहाँ वार्डरोब हमने डिज़ाइन किया हुआ है और इस वॉल पर टीवी यूनिट। इसका जो वेंटिलेशन है हमने इस वाले ओपन स्पेस में दिया हुआ है। यहाँ आप इंडोर प्लांट भी लगा सकते हैं। यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं, ये 3 फिट 10 इंच वाइड का हमारा पैसेज रहेगा। तो इस पैसेज में यहाँ से आप एंट्री करेंगे, ये हमारा दूसरा बेडरूम रहेगा 11 फिट 9 इंच बाई 13 फिट का। ये हमारा बेड है, ये टीवी यूनिट है और इस वॉल पर हमने वार्डरोब डिज़ाइन किया हुआ है। इस कॉर्नर में हमने स्टूल डिज़ाइन किया हुआ है और यहाँ हमने विंडो दिया हुआ है। पीछे हमारा ओपन यूटिलिटी और वॉशिंग एरिया रहेगा 11 फिट 9 इंच बाई 3 फिट 9 इंच का। इस ओपन एरिया में जाने के लिए ये हमने बेडरूम से गेट दे रखा है। आप इस बेडरूम के लिए यहाँ से विंडो एसी या फिर कूलर भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस पैसेज के थ्रू यहाँ हमने डिज़ाइन किया हुआ है कॉमन टॉयलेट 5 फिट बाई 10 फिट 9 इंच का, जो कि पूरे घर में केवल एक ही टॉयलेट है और हमने इसको क्लाइंट की नीड के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। ये आप टॉयलेट का लेआउट देख सकते हैं और टॉयलेट का वेंटिलेशन इस साइड ओपन में दिया हुआ है। और टॉयलेट में हमारे 2 गेट रहेंगे, आप इस वाले बेडरूम से भी इस टॉयलेट को यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 18 फिट बाई 60 फिट का बहुत ही खूबसूरत नक्शा। आप फ्रेंड्स अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप इस नक्शे की PDF लेना चाहते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।